نحمد ونصلي على رسول الكريم وما بعد. مرحبا بكم دوستو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. आज पूरी दुनिया के इंसान हमें कितने अंतरूम रहे हैं और जितना वो इत्मीनान हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं उतनी ही बेचैनी बढ़ती जा रही है। अल्लाह ताला फरमाते हैं दिलों का इत्मीनान सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिक्र करने वाला ऐसा है जैसे जिंदा और जिक्र ना करने वाला ऐसा है जैसे मुर्दा। जिक्र करने से अल्लाह का ध्यान पैदा होता है, अल्लाह का ध्यान इंसान को बुराइयों से रोकता है, अच्छे कामों पर आमदा करता है। जिक्र करने वाले का तज़किरा फरिश्तों की मजलिस में फरमाते हैं। एक हदीस में है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम मुझको याद करो मैं तुमको याद करूंगा, तुम मुझको अपनी मजलिस में याद करो मैं तुमको उससे भी अफजल मजलिस में याद करूंगा। सुभान अल्लाह, इंसान जिंदगी में जिन चीजों की फिक्र में लगा रहता है मरते वक्त वही चीजें उसके सामने आ जाती है। एक सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि सबसे अफजल अमल क्या है जो अल्लाह के करीब कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारी मौत इस हाल पे आए कि तुम्हारी जुबान अल्लाह के जिक्र से तर हो। और ये तब ही हो सकता है जब कि जिंदगी में जिक्र का इहतमाम किया गया हो। अल्लाह से दुआ है कि हम सबको कसरत से जिक्र करने की तौफीक अता फरमाए और ईमान का खातिमा नसीब फरमाए। वाकिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सलाम अलैकुम।